सड़क पर नहीं कीचड़ में चलते हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया खबर लाइव में। खबर है कामा राजस्थान से। जी हां, ग्राम पंचायत बिलौद के अंतर्गत आने वाला गांव लड्डूका में आजकल कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहां के लोग सड़क पर नहीं कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि कीचड़ और पानी से परेशान महिलाएं आए दिन पानी और चारा लाते समय पैर फिसल कर गिर जाती हैं। कई बार तो महिलाएं जख्मी होकर हॉस्पिटल तक भी पहुंच चुकी हैं। यहां तक कि स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों पहले एक युवक के शव को कब्रिस्तान की ओर जाने वाली रोड की स्थिति खराब होने के कारण मजबूर होकर शव को खेतों में से ले जाना पड़ा। इस मामले को ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जिम्मेदार सरपंच और प्रशासन के आला अफसरों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन परिणाम सिफर आया। ज्ञात सूत्रों की माने तो सड़क निर्माण में सरपंच और प्रशासन की मिलीभगत सामने देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और जिम्मेदार लोग गहरी निद्रा से जागेंगे या सड़क को इसके हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा। कामा राजस्थान से आमिर खान की रिपोर्ट। गांव लट्टोका में साहब ये रास्ता के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है और ये बालक मतलब स्कूल जाते हैं साहब पूरे मतलब ड्रेस खराब हो जाती है, तो ये पूरा रास्ता साहब कम से कम 2 साल से खराब चल रहा है। सरपंच बिल्कुल सुनाई नहीं करता साहब, बहुत कह लिया मन ने। पहले छंगा सरपंच था, उसने नहीं बंधवाया, अब कुल्लू सरपंच है, इसने नहीं बंधवाया साहब। गाँव का हालात साहब ज्यादा खराब है, एक दो बेर पानी के सर फट गए, वो पानी लेकर आती है और जेड़ से तो उनके सर फट गए, मतलब वो फिसल गई। क्या कर साहब, हमारी मजबूरी है साहब, हमारी ज्यादा मतलब कार्रवाई हो। जनाजा के लिए इतनी प्रॉब्लम आई है साहब, इधर से मतलब खेतों में के लिए गए अपने जनाजे को, बड़ी मुश्किल से पूरे मतलब जो उसको मैयत को उठाने वाले 4 बंदे हैं उनके मतलब पूरे पैर मतलब संगे मिट्टी में, बड़ी मुश्किल से मतलब कब्रिस्तानों में वो पहुँचाया गया है।